रणवीर दीपिका को यही बोलना चाहूँगी, विश यू अ वेरी वेरी मीनिंगफुल अ लवली द लवलीस्ट जर्नी अहेड टू बोथ ऑफ यू. यू गाइस आर माय फेवरेट कपल. एंड अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने सालों से मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया, प्लीज़ आगे भी इतना ही प्यार देते रहिए. ये बहुत ही स्पेशल कैंपेन है मेरे लिए, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्लीज़ यूज़ इट एंड देन डिसाइड वेदर यू लाइक इट और नॉट. बट गो आउट देयर, बाय इट, गेट इट एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. थैंक यू. ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही पहले तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत एक बहुत सुंदर कैंपेन है जिस जो इस बात को सॉरी आई एम गोइंग टू स्विच टू इंग्लिश. सो हाँ, सो इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपेन. इट एम्फसाइजेस ऑन द फैक्ट दैट ब्यूटी डजंट It doesn't always mean that somebody is not intelligent, or if somebody is intelligent, they can't be beautiful. In fact, intelligence is beauty, and something that appeals to your mind does appeal to your eyes as well, right? And जैसा कि इन्होंने बताया इससे पहले कि products इस तरह के हैं जो natural extract से बने हैं, they are not 100% chemical, so and affordability बहुत अच्छी है उन प्रोडक्ट्स की. सो विच इज़ वाई वेन आई हर्ड द दिस कॉन्सेप्ट एंड दे केम टू मी, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू बी द फेस ऑफ दिस प्रोडक्ट. जी मैंने यूज़ करना सबसे अच्छा रिसर्च होता है प्रैक्टिकल यूज़ करना. थियोरी में आप चाहे कितना भी कुछ भी पढ़ लें, जब तक आप उस चीज़ को ट्राई करके नहीं देखते उस आई डोंट थिंक यूड बी एबल टू नो हाउ गुड और बैड सर्टन प्रोडक्ट इज. सो आई यूज इट फॉर अ वाइल एंड आई रियली रियली लाइक इट. सो देन आई न्यू आई मेड द राइट डिसीजन. जी फेस की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसी फेस के थ्रू हम इनैक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. और केयर करने के लिए मैं बहुत बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो करती हूँ, लाइक यू नीड टू पुट सनस्क्रीन, यू शुड पुट नाइट क्रीम्स, लाइक आई ऑल्सो लव टू यूज़ द बॉडी लोशन. आई थिंक इट मेक्स माई स्किन वेरी सॉफ्ट. सो या दैट्स ऑल. एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. Guys, please drink lots and lots and lots of water. Very important. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट.